नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं सुपर फास्ट खबरों की ओर। असम के बारपेटा से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने दिया इस्तीफा, टिकट न मिलने से थे नाराज। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि राज्य में कुल 2,12,00,000 मतदाता है। लोकसभा चुनाव के लिए बीआरएस बीएसपी का तेलंगाना में गठबंधन हुआ। भोपाल में हुआ हादसा, टेंट हाउस के एक गोदाम में लगी भीषण आग, 20 से 25 गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। पीएम मोदी कन्याकुमारी में है, यहाँ पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा देश को तोड़ने का जो सपना देख रहे हैं उनका घमंड टूटने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को इलेक्ट्रोलर बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वो बॉन्ड की खरीद की तिथि, बॉन्ड नंबर दे जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है और भानुनित की तारीख का खुलासा करे। पंजाब में कांग्रेस विधायक राजकुमार चब्बेवाल आम आदमी पार्टी में हो सकते हैं शामिल, सूत्रों ने दी जानकारी। आज सुबह 6:56 पर मणिपुर के उखरूल में भूकंप के महसूस किए झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की 3.9 आकी गई तीव्रता, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने भूकंप की तीव्रता को लेकर जानकारी दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर बोला हमला, रमेश ने कहा कि चूंकि चुनाव के नोटिफिकेशन आने वाले हैं इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए, कल सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम पर 2 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया। पीएम मोदी आज मिशन साउथ की कवायद के तहत करेंगे यात्रा, आज शाम को हैदराबाद के लिए मलका जी गिरी में पीएम करेंगे रोड शो। इस साल की शुरुआत के बाद से पीएम ने एक के बाद एक कई दक्षिण भारत की यात्रा और रैली की है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में फागुन महीने खासकर होली की शुरुआत हो गई, गोकुल के रमन रेती आश्रम में रंगों के फूलों से हर्बल होली खेली गई। एमपी के सीएम मोहन यादव का है कहना कि ये बिल्कुल सही नहीं है कि जिन राज्यों में राहुल गांधी गए हैं वहां बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा और कई कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जो व्यवहार दिखाया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित एक अदालत ने गुरुवार को संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख की सीबीआई हिरासत 8 दिन के लिए बढ़ा दी है। करीब 55 दिनों तक फरार है शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर फरवरी में इंडिया गठबंधन में हुए शामिल, पर शामिल होने के बाद से ही वो लगातार अपनी शर्तें सामने लाते जा रहे हैं, इस वजह से ही राज्य में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें कीलांचल टाइम्स।